नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रिक बुल में। दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई और भारतीय टीम के नए कप्तान शिखर धवन, जो कि सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं, उन्होंने टॉस हारा और पहले गेंदबाजी भारत को करनी पड़ी। श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। श्रीलंका की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही, लेकिन उस शुरुआत को वो भुना नहीं सके और निरंतर अंतराल पर उनके विकेट गिरते रहे, लेकिन अंत में उनके बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए और इस वजह से उन्होंने एक सम्मानजनक स्कोर 50 ओवर में 262 रन का प्राप्त किया। जवाब में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पृथ्वी शॉ ने अपना द पृथ्वी शो शुरू किया और शानदार चौके जड़ते हुए श्रीलंकन टीम को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की ठान ली थी, लेकिन दुष्मंता चमेरा की एक गेंद उनके हेलमेट पर लगी, जिससे उनका फोकस थोड़ी देर के लिए गेम से हटा, क्योंकि हेड पे गेंद लगने के बाद थोड़ा सा फोकस हटता है और जिससे वो लूज शॉट खेलकर आउट हो गए। लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने भी शानदार हाथ दिखाते हुए अपना वनडे क्रिकेट में जो पदार्पण छक्के के साथ किया, उसके बाद में अगली गेंद पर उन्होंने चौका मारा और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि आज वो अपना शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन एक ऑफ ब्रेक की गेंद को आगे की गेंद पीछे खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट दे बैठे। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे मनीष पांडे ने शिखर धवन के साथ सधी हुई शुरुआत करी और अच्छी बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन वो भी एक लूज शॉट खेलकर 26 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने आते ही हाथ दिखाने चालू किए और शिखर धवन के साथ उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप करी और भारतीय टीम को जीत के मुहाने तक ले गए। इन सभी बातों में हम शिखर धवन की तारीफ करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन्होंने शानदार ढंग से टीम को चलाया और शानदार बल्लेबाजी करी। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया और सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। भारतीय बॉलरों ने भी आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी। 2019 वर्ल्ड कप के बाद युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने एक साथ यह मैच खेला और कुलचा की जोड़ी ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी। तो दोस्तों, पहला मैच भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। उम्मीद करते हैं भारतीय टीम इस सीरीज में 3-0 से श्रीलंका को शिकस्त देगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्रिक बुल।